अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय कुकिंग हब यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है चिकन वेजिटेबल सूप। ये बहुत यम्मी बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा कप गाजर, एक कप बंद गोभी और आधा कप ही मटर, ठीक है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल का, और मैं लूंगी दो चम्मच पिसा हुआ लहसुन, ठीक है। हम ये उसे बारीक काट लेंगे या उसे पीस लेंगे। और मैंने लिया है एक प्लेट चिकन, ठीक है, ये मीडियम साइज प्लेट थी। और हम चिकन को कढ़ाई में डाल देंगे, जब इसका कलर चेंज हो गया तब हम इसे पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से पाँच गिलास हमने लिया है पानी, और इसकी यखनी तैयार करेंगे, ठीक है। डेढ़ चम्मच मैं इसमें डालूंगी नमक का, एक में डालूंगी दालचीनी, ठीक है। हम इसमें डालेंगे एक चिकन क्यूब, ठीक है। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे, ठीक है। अब हम एक बाउल में लेंगे एक चम्मच काली मिर्च। अब उसमें मैं डाल दूंगी चीनी का एक चम्मच। आप हसबे जायका ले सकते हैं, अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप इसका हाफ चम्मच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बाउल में लेंगे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, और इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। और साथ ही मैंने लिया एक फ्राई पैन, उसमें दो टीस्पून ऑयल लिए थे, और ये जो वेजिटेबल्स थी गाजर और बंद गोभी, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी हल्का सा, और फिर ये इस तरह से होकर खड़ी रहेंगी, ठीक है। हमारे दो मिनट इसे फ्राई करेंगे और यखनी में डाल लेंगे। यखनी में से हमने चिकन निकाल लेना है और इसे रेशे कर लेने, ठीक है। अब हम लेंगे चार चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे। और हमने साथ ही इसमें डाल दिए सॉसेज जो हमने अभी बनाए हैं, और इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने उसके रेशे कर लिए, ठीक है। ये देखें, हमारा सूप तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।